तो यार जो डॉक्टर थे अब हॉस्पिटल डॉक्टर हैं, तो उनको भी यार मैं काफी मतलब अच्छा काम करते हैं, वो ट्रीटमेंट किया बहुत ही अच्छा था। और अभी चार टंके लगाए हैं मैम ने, अभी मेरा मन नहीं कर रहा कुछ ब्लॉग बनाने का। तो फाइनली दोस्तों मैं घर आ चुका था, तो कल रात को मैं आया था यहाँ पे गुरुजी के आश्रम में। तो इस आश्रम की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप देखना चाहो देख सकते हो। गुरुजी रात को चले गए थे, उनको एक्चुअली जाना था सोलन, उससे आगे काला टिब्बा है, काली टिब्बा वहाँ पे उनका मतलब सेकंड आश्रम है। अभी मेरे को अपने शूज़ में ये मतलब ऐसे पन्नी डालनी पड़ गई है। ऐसे ही मैं भरमौर से मतलब आया था यहाँ पे, तो भरमौर मणिमहेश 84 टेम्पल भरवाणी माता ए टू जेड ब्लॉग्स आए हैं चैनल पर, तो आप देख सकते हो, विजिट कर सकते हो, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। बट फिलहाल उसके बाद क्या हुआ था, मैं जैसे ही मतलब अपने एरिया में पहुंचे थे ना हम आकर, भाई साहब मतलब कि ना हमने जो ना इतने टाइम के बाद आप आओ तो अपना एरिया देखो तो यार बड़ी खुशी होती है, तो वो वाली फील था जब मैं यहाँ पे आया था। तो बाकी अभी आप देख सकते हो नेचर में, तो यहाँ पे आके तो मैं भूल ही गया कि मैं कभी भरमौर भी गया था। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे हमारे भाई लोग रह रहे हैं, मतलब दो भाई हैं अभी। तो बाकी यार अभी गुरुजी हैं वो वहाँ पे सेकंड आश्रम जो कि मैंने आपको बताया उनका आश्रम जो सोलन से आगे है काली डिब्बा, तो अभी वहाँ पे चले गए हैं। तो वो कभी कभी आते हैं यहाँ पे, जैसे मंथ में दो बार आ गए, मतलब कि जैसे मंथ में वीक्स होते हैं, तो जैसे मतलब सेकंड वीक में आ गए, तो उसके बाद मतलब लास्ट वीक में आ गए, तो ऐसे ऐसे मतलब कि कभी कभी आते हैं यहाँ पे। कि देखो प्राचीन गुफाएं हैं, मैं जैसे प्राचीन गुफा ऑपरेशन है, मैं अभी जा नहीं सकता अंदर क्योंकि गुरु जी की परमिशन नहीं है, पूरा जंगल है। तो आप अगर रात को यहाँ पे रह रहे हो तो आपको हर एक चीज़ का सामना करना पड़ेगा, जैसे सांप हो गया, बिच्छू हो गया, ए टू जेड मतलब जितने भी जानवर होते हैं। इस टाइम थोड़ा गर्मी वाला माहौल है, तो गुरु जी क्या करते हैं मतलब ज़्यादा मतलब किसी को रुकने नहीं देते, फिर जैसे कुछ हो जाए यार किसी को, तो वो दिक्कत रहती है। अभी मैं यहाँ से देखता हूँ कि कहाँ को निकलूँ, आई थिंक मैं शायद धौलपुर से निकलूँ, तो जाते हुए आपको वहाँ के भी थोड़े शॉर्ट बताऊंगा। दोस्तों तेल भी बहुत ज़्यादा कम है, और ये गुरुजी की गाड़ी है, और ये नहारी चौक देख सकते हो, तो अभी आप देख सकते हो कितना ही ख़राब हो चुका है जो कि ये खड्डा है, तो अभी हमें ऐसे जाना पड़ेगा बीच में से। तो अभी आप लुत्फ लो इस रोड के, पूरे इंजॉयमेंट करो इस चीज़ को। दोस्तों अभी आप देख सकते हो ये है जाता रोड सीधा दौलतपुर को, दौलतपुर चौक को, तो ये वाली खट काफी ज्यादा आ जाती है जब भी बारिश काफी ज्यादा होती है। करो अभी हम निकलते हैं दौलतपुर को, देखते हैं कहाँ को निकलते हैं, पर जहाँ को भी निकलेंगे पर आप आई थिंक आपको मजा आएगा इस ब्लॉग में, तो बने रहना हमारे साथ। तो निकलते हैं हम अभी यहाँ से। तो अभी मैं निकला हूँ गुरु जी के आश्रम से, और मैं दौलतपुर से थोड़ा आगे आकर इस साइड आ चुका हूँ, तो अगर आप यहाँ पे आए हो तो आपको पता ही होगा कि कौन सी लोकेशन है ये। अभी यहाँ से थोड़ा आगे आके बैरियर है एक, तो इधर से रोड जाता है मतलब जो कि पंजाब को चला जाता है। आंटी जी जो ये वाला रोड जाता है पंजाब कहाँ को जाता है, होशियारपुर को निकलता है ना, तो ये वाला हरियाणा और होशियारपुर को निकलता है रोड, और ये वाला कौन सा किधर को गया, बवेड़, तो ये वाला बवेड़ को जाता है। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, तो आपको मैंने बोला था ना कुछ अच्छा ही ब्लॉग होगा, तो बने रहो फिर अब निकलते हैं मंदिर में। तो जो को आदेवी जी मंदिर बोलते हैं ऐसे मतलब नाम सुना जाता है, तो चलो अंदर चलते हैं, बाकी भी वहाँ पे पता करेंगे जाकर मंदिर में कि क्या क्या वहाँ पे। मैं हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और ये वाला रोड चला जाता है सीधा पंजाब को, और फिलहाल जी अभी हिमाचल ही है अंकल, ये हिमाचल ही है ना, इधर पंजाब कितनी दूर से स्टार्ट हो जाता, तो दोस्तों 1.5 किलोमीटर से आगे बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, तो मेन यहाँ पे वो होती है ना बैरियर वगैरह, इधर ही है मेन बैरियर, तो दोस्तों मेन बैरियर यही है, और यहाँ पे मतलब जो गुहा देवी जी को मतलब रोड जाता है रास्ता जाता है वो यहाँ से आता है। दोस्तों अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जो कि माता जी का मंदिर है, तो बाकी अंकल जी खड़े हैं, इनसे भी पता करेंगे अभी मंदिर के बारे में। अंकल जी इधर भी गांव है नीचे, गांव है नीचे, तो दोस्तों इधर भी गाँव है बहुत ज़्यादा नीचे, तो ये मेरे को पता नहीं था एक्चुअली, पता क्या ये मतलब कि मतलब पूरा जंगल का एरिया ना, तो नहीं पता कहाँ पे गाँव है कहाँ पे नहीं, तो अभी यहाँ पे आया तो पूरा अंदर जाकर आपको कंफर्म करेंगे। माता जी के मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है कि ऐसे मतलब, तो अभी सब कुछ अंदर जाएगा। ये भोलेनाथ जी का मंदिर है सामने, तो दोस्तों इस मंदिर को कुआ देवी जी के नाम से जाना जाता है। अभी पूरा ऊपर तक पहाड़ी है मतलब कि पौड़ियाँ जिसको बोलते हैं वो है, तो बोलते कभी टाइम था कि यहाँ पे मतलब चढ़ने के लिए अच्छे से मतलब पौड़ियाँ भी नहीं थी, तो उसके बाद क्या होता है एक्चुअली जो पंजाब से ये पंजाब पड़ता है दोस्तों, तो यहाँ पे इधर पंजाब पड़ता है देख सकते हो,
तो जो कि चिंतपुर्णी को आते थे, तो उन टाइमों में तो मतलब बिल्कुल भी गाड़ियां और मतलब मोटरसाइकिल बाइक्स की नहीं थी, तो पैदल आते थे सभी यात्रा करते हुए। तो एक बार क्या हुआ कि बोलते ऐसे ही मतलब कि ना यहाँ पे एक बंदा पहुँच गया, उसने जाना है चिंतपुर्णी, तो उसकी मतलब बुरी हालत हो चुकी थी पैदल चलते चलते। वो आप जहाँ पे आकर मतलब उन्होंने बोला माता जी को कि ये माता जी मेरी तो बस हो गई है, मेरे से अब जाया नहीं जाएगा चिंतपुर्णी, तो मेरी तो बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गई है। तो वो मतलब बोलते हैं कि यहाँ पे आ गए थे तो यहाँ मंदिर मतलब जो मंदिर है ना कुआदेव जी का, यहाँ पे मतलब बैठ मतलब लेट गए थे, तो यहाँ पे उनको साक्षात दर्शन दे दिए थे चिंतपुर्णी माता जी ने। तो दोस्तों देख सकते हो मतलब ये बहुत मतलब कि रहस्य की मतलब बात है। और यहाँ पे मतलब बहुत बड़े 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 मतलब बोलते हैं कि ठीक होते हैं, बड़ी दूर दूर से बंदे आते हैं यहाँ पे। तो आपको मैं अभी बताता हूँ मतलब जो कि कोहा देवी जी का मंदिर है, तो मंदिर है कोहा देवी जी का। तो बाकी यार अंदर मतलब पिंडियाँ हैं माता जी की, तो मैंने तो दर्शन कर लिए। तो एक्चुअली क्या हुआ, पुजारी जी को कोई काम है तो इसलिए मतलब अभी मंदिर मतलब इन्होंने क्लोज कर दिया, तो इन्होंने मेरे को टाइम दिया है पुजारी जी ने। जैसे ऐसे करते हैं कि जिस दिन पुजारी जी ने मतलब बुलाया है तो उस दिन आएंगे और मतलब पूरा मतलब कन्फर्म करेंगे और आपकी पूरी मतलब बात करवाएंगे। अगर श्रद्धालु भी मिल जाए यहाँ पे, तो इस टाइम तो कोई भी नहीं है, तो ऐसे श्रद्धालु मिल जाए उनसे बात करेंगे तो आपको एक्चुअली बताएंगे कि उनको क्या फ़र्क यहाँ आने से, मतलब क्या क्या उनके मतलब दुख तकलीफें कम क्या क्या। तो आज हम आए हैं स्वामी, तो आज जा रहे हैं हम एरा काटने के लिए, एरा काटेंगे। देख सकते हो गाइस कितना नज़दीक से आ रहा है। ओ भाई मतलब मज़ा आ गया, हेलीकॉप्टर बाय 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 बाय। तो दोस्तों देखो कितना मतलब कि नज़दीक से गया है हेलीकॉप्टर। दोस्तों अभी आप मेरी हालत देख सकते हो और पीछे आप देख सकते हो, तो आई थिंक आप सभी को पता लग ही होगा कि आज क्या कर रहे हैं। आज हम काट रहे हैं मक्की, तो आज का ब्लॉग मक्की के ऊपर होने वाला है। तो ये वाला खेत हमने कर दिया समाप्त। लो जी इस खेत की भी स्टार्टिंग कर दी गई है, और अगर आपने भी भाई काटनी शुरू कर दी मक्की तो बता दो भाई कमेंट्स में। मम्मी लगी हुई है और वो प्रशांत और चाची और आपका भाई, इस टाइम तो बुरी हालत है। बस अभी इस खेत का कल्याण करते हैं, एंड कर दिया गया है, एंड हो चुका है खेत का। देख सकते हो ये वाला खेत भी हमने ख़त्म कर दिया, और जो पीछे वाला था घर के वो वाला भी। अभी शाम को जाएंगे हम तीसरे खेत में। हमने मतलब आपने वो वाला खेत देखा था पीछे, वो वाला तो हमने ख़त्म कर ही दिया, और ये वाला भी चलो फिलहाल बड़े बड़े तो खेत तो नहीं है, फिर छोटे हैं, पर हालत ख़राब होगी भाई साहब एक खेत में जाकर। हमारे इधर भी ऐसे नेम पड़ते हैं ब्रेस के, आपको पता ही होगा अगर आप हिमाचली हो तो। अगर आई थिंक आप बाहर से हो तो आपको आप भी रखते होंगे कुछ ना कुछ नेम। तो हमारा मतलब एक खेत है वहाँ पे हम बोलते हैं बगला, तो एक साइड हम बोलते हैं टाकी, उसको हम टाकी बोलते हैं ना, तो ऐसे ऐसे करके हमने नाम रखे होते हैं। तो बस इधर कोई नाम नहीं रखा क्योंकि ये घर वाले खेत है ना, तो वो दूसरी साइड वाले खेत है वहाँ के नेम रखे हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं एरा लेकर आते हैं। हाँ चले, तो वो रोड पे डाला होता है ऐसे, वो अभी पूरा हो गया होगा मतलब, तो अभी हम लेकर आते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे डाला होता है वो रोड पर। ऐसे डाला होता है ये रोड पर एरा हमने। तो अभी फिलहाल देखो बाइक ऐसे निकलती है भाई, और ये अभी हो चुका है पूरा, तो हम इसको उठा के आधा रख देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा उधर भी खेत है, उधर भी जाकर कटाई करेंगे, तो उसके बाद वहाँ पे भी बांधनी है मक्की। तो आधा ऐसे करते हैं, ले चलते हैं घर को, तो बाकी आधा यहाँ पे रख देंगे चाची के घर में। तो ये हमारे चाची के घर है, यहाँ पे रख देंगे। तो बाकी चलो फटाफट उठाते हैं इसको। चलो भाई उठाओ, ये इधर इधर वाला उठा लो, बस इसको साइड पे रख दो, ऐसे ही बस ऐसे ही रख दो। चलो दोस्तों मैं इसको उठा के अभी रख देता हूँ अंदर, बाकी देखते हैं। सब्जी भी थोड़ी कम थी तो मैं सोचा चलो मैगी मतलब मम्मी ने बोला कि लेकर आ जा, तो फिर चलो अभी मैगी बना के खाते हैं। बाकी अभी शाम को जाएंगे हम खेत में। तो जैसे भाई घर आया हूँ जब से बरमोर, तो अभी देख लो अभी रेल बनेगी, तो फिर उसके बाद निकलेंगे, बाकी देखेंगे अच्छे अच्छे ब्लॉग देख आएंगे अपने यहाँ के भी। तो अभी देखो सभी बच्चे आ चुके हैं, और तनु यहाँ पे बैठा है, परेशान चला गया है, और आ रहे हैं वो सामने लगा हुआ है। और आपको एक बात बताता हूँ, देख सकते हो मेरा हाथ अभी यार उंगली काफ़ी ज़्यादा कट चुकी है। अभी हम जा रहे थे, शाम हो चुकी थी, 4 बज गए थे, तो मैं हमने सोचा चलो क्योंकि खेत काटने के लिए चलते हैं मक्की वहाँ पे दूसरे खेत में। तो आपने पहले ब्लॉग में देखा ही है कि यहाँ पे मक्की काट के हम पूरे फ्री हो चुके थे,
यार क्या हुआ एक्चुअली कि ना जाते वक्त मैंने सोचा कि चलो बर्फ है फ्रिज में तो उसको क्या करते हैं काट के पानी में डाल के भर लेते हैं बोतल है ना। तो जैसे ही मतलब कि ना बर्फ काट रहा था यार, काटते काटते ना वो क्या हुआ ऐसे ना स्लिप कर गया, मतलब चाकू था मेरे पास वो चाकू ना ऐसे स्लिप हो गया और भाई साहब पूरा ऐसे ना मतलब जैसे ही मारा ना मैंने उस पर बर्फ पे उसको चाकू को तो ना वो ऐसे स्लिप किया हाथ और पूरा ऐसे मतलब कि ना चाकू के साथ कट गई, ऐसे ऐसे बात हुई पूरी। तो यार अब पूरी मतलब जो उंगली थी ना तो ये वाली उंगली थी, दो जो ये साइड में उंगली है ना, ये साइड में उंगली सबसे चिचड़ी बोलते हैं हम इसको, तो ये वाली उंगली है भाई मतलब ना पूरी कट चुकी है कम से कम भी ना, ऐसे बीच में से चीरा गया है उंगली को तो कम से कम भी 80%। जब मैंने देखी तो ना ऐसे उंगली ना थोड़ी पीछे को भी तो यार वो ना सीधी नहीं हो रही थी, मैं हिला के देख रहा था तो मैंने बोला भाई काम तो ख़राब है। तो अभी हम जाके आए सीधा ही मतलब हॉस्पिटल जो कि अंब हॉस्पिटल है। तो ऐसे आज कांड हो गया तो आज अब मेरे से 3-4-5 दिन तो काम ही नहीं होगा, अब यार काम पीछे पड़ गया। वरना मैं सोच रहा था कि फटाफट सारा मतलब कि मक्की काट के तो फटाफट काम ख़त्म करके फिर निकलेंगे कहीं अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने, आ तो गए हैं अगर आपको होता ब्रह्मोर में से मेरे। तो यार चलो देखते हैं क्या होता है, जैसे भी गोड करते हैं ठीक ही करते हैं। तो पर ऐसा हुआ आज, अब टांके लगे हैं इस पर 4 टांके, ऐसे पंगा ले लिया। अगर ऐसे चले जाते ट्यूबवेल का पानी भर के तो कहता यार। तो हम जहाँ से निकले तो ना मतलब जैसे रेलवे स्टेशन पुल है उसके थोड़ा आगे पहुँचे, वहाँ आकर भाई साहब आप क्या बोलूँ मतलब ना मेरी आँखों के आगे ना थोड़ा थोड़ा अंधेरा आने लग पड़ा था। तो उसके बाद ना थोड़ा ऐसे मतलब ना शरीर मतलब ना थोड़ा मतलब ऐसे डर भी होता है, एक यार इतनी उंगली कट गई 80% उंगली मतलब बीच में से कट गई और 20% बची, जब देखो तो थोड़ा बहुत तो होता ही है ना। पर फिर भी हौसला रख के ना पहुँच गए, मैंने सोचा चलो अपना हॉस्पिटल में चलते सीधा हॉस्पिटल जाते वक्त जैसे वहाँ तक पहुँचे तो मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फिर जाके उन्होंने बोला कि आप ऐसे करो एमरजेंसी रूम में लेटो, फिर मैं लेट गया वहाँ पे। तब तक जैसे लेटा तो थोड़ा रिलैक्स हो गया था, मैम आ गई तो यार जो डॉक्टर थे अंब हॉस्पिटल डॉक्टर हैं तो उनको भी यार मैं काफ़ी मतलब अच्छा काम करते हैं वो, तो जहाँ तक मेरे को लगा अभी तक तो मेरे उन्होंने ट्रीटमेंट किया बहुत ही अच्छा था और काफ़ी अच्छा उन्होंने ट्रीटमेंट किया मेरा। तो मैं उनका भी थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैम ना होते मतलब डॉक्टर ना होते तो यार फिर पंगा पड़ता थोड़ा। और अभी 4 टांके लगाए हैं मैम ने तो काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट किया। अरे ऐसा आज का कुछ ब्लॉग था, अभी मेरा मन नहीं कर रहा कुछ ब्लॉग बनाने का, फिलहाल मतलब ब्लड काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है। तो ठीक है फिर दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं एंड। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।